हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 11th बी एंड इट्स पार्ट 5. इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव सीन अप टू पार्ट 4 एंड इन दैट वी हैव सीन अप टू क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू. सम फाइंड करेंगे पहले हम. 4a² + 3 - 8a + 9a - 7. हियर वाई डूइंग एडिशन नो नीड टू पुट एनी ब्रैकेट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. 4a² देर इज़ नो a² टर्म, 4a² विल बी एज इट इज. प्लस 3 इज देयर, -7 इज देयर. माइनस प्लस माइनस वी विल डू, सो +3 - 7 विल बी -4. 8a and 9a, माइनस प्लस माइनस, सो 9 - 8 विल बी 1 एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर 1. 9a इज ग्रेटर, सो हियर विल बी प्लस साइन. सो वी आर गेटिंग दिस नंबर ऑन एडिशन. नाउ वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. और इन प्लेस ऑफ सब्ट्रैक्ट यू कैन राइट रिक्वायर्ड. डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम द सम ऑफ दिस नंबर. मीन्स दिस सम, इनका सम जो है आप शुरू में लिखेंगे. सो हियर विल बी 4a² - 4 + a - this term - 5a² - 3a + 1. ओके, नाउ डू द सब्ट्रैक्शन. 4a² - 4 + a, व्हेन दिस माइनस विल गो इनसाइड, माइनस माइनस प्लस 5a² - - +3a - +1. Now see 4a² and 5a² both are positive, it will become 9a². Then -4 and -1 will become -5. +a and +3a will become +4a. And this is your answer. No other term is left for addition and subtraction, that's why this is the answer. Now come to question number 12. By how much does 8x³ term exceed so that you can get this term? Exceed मतलब उस term को कितना बढ़ाया जाए कि हमें ये number मिल जाए. Means it is saying like this, this 8x³ term को हम कितना बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं मतलब इसमें और कितना add करें so that the result becomes 4x³ term. Yes? सो वट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाला नंबर हमें फाइंड करना है कि हम 8x³ वाली टर्म में कितना नंबर और ऐड करें सो दैट दिस टर्म बिकम 4x³. दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 4x³ फ्रॉम दिस नंबर, देन वी विल कम टू नो दैट वॉट इज दिस टर्म. लेट अस डू दैट थिंग ओनली. रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 8x³ वाली टर्म लिखेंगे हम पहले. 8x³ - 6x² + 9x - 10 - this term. (4x³ + 2x² + 7x - 3). क्लोज द ब्रैकेट. Then 8x³ - 6x² + 9x - 10 - when this bracket will open, this minus plus will be -4x³ - +2x² - +7x
माइनस माइनस प्लस 3. नाउ ब्रिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर. एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब, 8x³ माइनस 4x³ विल बी 4x³ माइनस 6x² एंड माइनस 2x² माइनस 6x माइनस 2x विल बी माइनस 8x² प्लस 9x एंड हियर माइनस 7x, सो 9 माइनस 7 विल बी 2x, देन माइनस 10 एंड प्लस 3 विल बी माइनस 7. So this is the required number, that when you exceed this number this much, then you will get this number. आप जब इस number में add करेंगे इतना term, then you will get this answer. Okay? Note down. Now question number 13. What must be added to this expression to get दिस एक्सप्रेशन. सपोज आपके पास 3 हैं, 3 में आप कितना ऐड करो कि 10 हो जाए, 3 में आप कितना ऐड करेंगे कि 10 हो जाए. सिमिलरली सपोज दिस इज योर 3, ये आपका 3 है, 3 में आप कितना ऐड करोगे सो दैट आपका आंसर ये 10 हो जाए. तो आपको क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है, देन यू विल कम टू नो. फॉर एग्जांपल इफ़ यू डू 10 माइनस 3 यू विल कम टू नो दैट वी हैव टू ऐड 7. यहाँ पे आंसर 7 आया, मतलब हम 3 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर 10 आएगा. सिमिलरली यहाँ पे 10 वाला चीज़ ये वो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है, आपको इसे फर्स्ट में लिखना है, इसको सेकेंड में लिखना है. ओके सो व्हाट यू विल राइट सॉल्यूशन, what must be added, number should be added, how you will write this number, you will write in the beginning a square minus a cube plus 1 minus this first expression, that is 2a³ plus 5a minus a² minus 6. Now solve this one. a² minus a minus a³ plus 1 minus will go inside minus 2a³ minus plus minus 5a minus minus plus a² minus minus plus 6. Then a² is here and here is also a², so it will be 2a². Minus a is here, here is minus 5a, so minus 6a. Minus a³ and minus 2a³ will be minus 3a³. Then a² is over and a³ is also over, 1 is there, 1 and 6. 1 plus 6 will be 7. So this is the answer. Means when you add this expression with this expression, you will get this as answer. Okay? I hope this one is very easy for you. Now question number 14. What is saying in question number 14? What must be subtracted from this? Matlab ye wala jo expression hai, a² इसमें से कितना माइनस करें कि आंसर आपका ये वाला नंबर आ जाए -4ab वाला. ठीक है, इसको भी एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि 10 में से आप कितना माइनस करो कि आंसर आ जाए 7. 10 में से आप कितना माइनस करो कि आंसर आ जाए 7. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 10 माइनस 7 ही कर देंगे. 10 माइनस 7 करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3. यानी कि आप 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 7 आ जाएगा. मतलब आपको क्या करना है, ये जो दोनों नंबर दिए हैं इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है. दिस नंबर यू विल सब्ट्रैक्ट एंड दैट नंबर, उस वाले नंबर को हम सेकेंड ब्रैकेट में रखेंगे, इस वाले नंबर को हम फर्स्ट ब्रैकेट में रखेंगे. एंड यू विल राइट रिक्वायर्ड नंबर
विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस दिस एक्सप्रेशन माइनस फोर ए बी माइनस फोर ए बी प्लस टू बी स्क्वायर डू द सब्ट्रैक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस माइनस प्लस फोर ए बी माइनस प्लस माइनस टू बी स्क्वायर नाउ डू द कैलकुलेशन ए स्क्वायर एंड हियर देर इज नो ए स्क्वायर सो ए स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस टू बी स्क्वायर प्लस माइनस देर विल बी माइनस एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर सो टू बी माइनस बी विल बी बी स्क्वायर एंड एज टू बी इज ग्रेटर सो माइनस बी स्क्वायर देन टू ए बी एंड फोर ए बी प्लस सिक्स ए बी सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर जिसको हम इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये ओके नोट डाउन दिस वन इन दिस वीडियो ओनली दिस मच इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड विश टू सी द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ देर इज एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय